तो टेबल लगा दी थी हाँ। और उस पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था और उसी पर खाना लगा हुआ था और बाकी जो लोग सभा में आए हुए थे वो नीचे स्कूल की टाट पट्टी बिछा दी गई थी, उस पर बैठ के उनकी पत्तलें लगा दी गई थी। अच्छा। इस पर डॉक्टर साहब नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये हम समाजवाद की बात कर रहे हैं और हम खाएंगे टेबल में और ये खाएंगे जमीन में, यही समाजवाद है क्या? ये उन्होंने तुलना करके कहा था, इसलिए ये आपने आयोजन मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। लोहिया जी ने खाना नहीं। हाँ, मतलब उस समय वहाँ के सारे आयोजकों ने और यशवंत सिंह कटियार भी थे, शमीम साहब भी थे, कालीचरण जी थे, कई लोग थे और क्या नाम कैप्टन अर्जुन सिंह भदौरिया वो थे, तो ये सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भूल हो गई है, वो अपने उसने माफी मांग ली है, तो उसने कहा नहीं हाँ मुझसे चूक हो गई है, तो अब इसलिए भोजन तो आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं अब भोजन नहीं करूंगा, आज इसका प्रायश्चित यही है कि आज भोजन मैं नहीं करूंगा। सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स रिपोर्टर्स डायरी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में राजनीति के जिस पुरोधा के विषय में हम बात करने जा रहे हैं उसे भारतीय राजनीति में समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर रहे हैं और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि यदि सत्ता की आंख में आंख डालकर चलना है तो उसकी जड़ों में मट्ठा डालना सीखो। इसीलिए वह उस दौर की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी पंडित नेहरू के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ा करते थे। चुनाव हार भी जाते थे, हारने के बाद भी वो कहा करते थे नेहरू जी से अपने कॉलर खड़े करके कि नेहरू जी अगर जनता आपको इतना ही चाहती तो मुझे वोट नहीं मिलते। ऐसे महान डॉक्टर लोहिया के विषय में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पत्रकारिता की धुरी और पीटीआई के पूर्व ब्यूरो हेड एनयूजीआई उत्तर प्रदेश के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद गोस्वामी जी का नाम पत्रकारिता जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे वह राजनीति का संगठन हो चाहे पत्रकारिता का संगठन हो, उन्हें हर जगह बड़े आबो अदब के साथ लिया जाता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे रिपोर्टर डायरी करने का सौभाग्य मिला है उनके साथ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज नया साल है, क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? पहले तो हम अपने सारे प्रदेश और देश के वासियों को नव वर्ष की आंग्ल नव वर्ष की, वैसे तो जो हमारे भारतीय संस्कृत का है वो तो नव संवत्सर कहलाता है लेकिन ये आंग्ल नव वर्ष है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही एक ईश्वर से कामना करता हूं और हमारा राष्ट्र जो है वो अग्रसर रहे प्रगति की ओर। सर जैसा कि हमने कहा कि हम आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में उनके संस्मरणों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आप एकमात्र पत्रकार हैं लखनऊ में जो डॉक्टर लोहिया के साथ में कुछ समय तक रहे हैं, उनको नजदीक से देखा है और उनको आपने जाना है, तो सर उस समय जब आप उनसे आपकी मुलाकात हुई थी उस समय आप कितने बड़े रहे थे और क्या समझ रही थी आपको लोहिया जी को लेकर उस समय? देखिए जब डॉक्टर लोहिया चूंकि फर्रुखाबाद से वो बाई इलेक्शन चुनाव लड़े थे और उस समय शायद हमारी 10 या 12 वर्ष की उम्र रही होगी, लेकिन चूंकि डॉक्टर लोहिया वहां लड़े थे, फर्रुखाबाद से एक छोटा जिला था और डॉक्टर लोहिया का बड़ा नाम था, तो उस नाते उस दौरान चूंकि एक ये संयोग था कि डॉक्टर लोहिया और हमारे पिताजी से उनसे संबंध थे, वो भी वहां के पत्रकार थे हमारे पिताजी और उनसे उनका पहले से परिचय था, तो इस नाते डॉक्टर लोहिया हमारे घर भी आए। डॉक्टर लोहिया के साथ हमको पिताजी की वजह से उनके साथ छोटा सा इंस्पेक्शन हाउस था, आम के बहुत शौकीन थे तो वहाँ भी हमको जाने को उनके साथ बैठने का, मैं बच्चा था, लेकिन उस दौरान उनको नज़दीक से देखने का और सुनने का भी मौका मिला और एक अवसर ऐसा भी आया कि मैं जब चुनावी जनसभाएं थी तो बचपना था तो डॉक्टर लोहिया जब वहाँ इंस्पेक्शन हाउस में खा रहे थे आम और उस समय गिरीशचंद कटियार जी थे, यशवंत कटियार जी थे
मुझे अभी भी याद है, रमेश चंद शर्मा जी और कालीचरण शर्मा जी, ऐसे शमीम, ऐसे कई लोग जो उस समय समाजवाद से जुड़े हुए थे। तो वहीं पर जब हम थे तो हमने कहा, क्योंकि उस समय उनकी बड़ी गाड़ी होती थी जो टैक्सी हुआ करती थी पर लगी, तो बचपना था, तो हमने कहा कि हम भी गाड़ी पर चले घूमने जाएंगे। तो डॉक्टर साहब का ये बात्सल्य प्रेम था, या डॉक्टर साहब कद के उतने बड़े थे, उन्होंने कहा तुम बैठो, और उनको बैठा लिया था। ये तो एक प्रसंग की बात है, लेकिन जो आप डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं, तो अब अगर उसकी शुरुआत, मैं समझता हूँ कि मैंने उनको भी ये कह सकता हूँ कि छोटा जरूर था, लेकिन बहुत नज़दीक से देखा, और उन मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश के शायद जो भी बड़े नेता हैं उनकी फ़ोटो नहीं होगी, लेकिन मेरी डॉक्टर लोहिया के साथ हाफ पैंट में फ़ोटो है, आज भी है, मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। तब मूल्य आधारित राजनीति होती थी, सिद्धांतों की राजनीति होती थी, राजनीति में भी प्रतिद्वंद्वता तो होती थी, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता होती थी, मूल्यों की प्रतिद्वंद्वता होती थी, सिद्धांतों की प्रतिद्वंद्वता होती थी, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं होती थी, जन सरोकारों के लिए, जनता के मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल अपने इश्यूज रखते थे, उन पर आलोचना करते थे और उन पर सवाल खड़ा करते थे सत्ता के ऊपर, और सत्ता भी उनके सुझावों को और उनके विचारों को, सकारात्मक विचारों को वो अपने साथ जोड़ने का या सरकार की नीतियों में डालने का काम करते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इंदिरा गांधी जी के बाद धीरे धीरे मूल्यों की और सिद्धांतों की राजनीति कम होती चली गई। लोहिया जी को समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है भारतीय राजनीति में, तो क्या ये सही बात है, समाजवाद उनके टाइम से शुरू हुआ है इसमें या नहीं? डॉक्टर लोहिया समाजवाद के और भी लोग थे, अच्युत प्रवर्धन थे, वो भी पुराने समाज सोशलिस्ट थे, मधुकर लिमय साहब थे, मधुकर भिगे थे, ऐसे बहुत से लोग थे, आचार्य कृपलानी थे, तो ये सारे लोग थे जो उस समय, तो स्वतंत्रता के समय तो सब कांग्रेसी थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, क्योंकि आंदोलन कांग्रेस का था, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ और वो समाजवादी विचारधारा एक निकल के आई, उसमें से एक डॉक्टर लोहिया भी थे। लोहिया जी नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, हारते भी थे, लेकिन फरकाबाद का बाई इलेक्शन उन्होंने बहुत अच्छे अंतराल से जीता, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ ऐसे बूथ थे जहाँ पर एक भी वोट सत्ता पक्ष को नहीं पड़ा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने सही आपको जानकारी है। मैं इससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से बाई इलेक्शन लड़ने के पक्षधर नहीं थे, और वो कतई नहीं चाहते थे कि हम बाई इलेक्शन लड़ें। ये भी एक घटनाक्रम है, क्योंकि हमारे पिताजी पत्रकार थे, तो वो चीज़ें घर में यदुनंदन, श्री यदुनंदन गोस्वामी, वो आज अखबार के संपादक भी रहे और जनरल मैनेजर भी रहे, कई अखबारों से जुड़े भी रहे, वो पीटीआई के भी संवाददाता रहे, नवभारत टाइम्स के भी रहे, हिंदुस्तान के भी रहे, तो उसमें कई समाचार पत्रों से वो जुड़े हुए थे। तो उस नाते ये चीज़ें छोटा जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुरानी चीज़ों को, राजनीतिक दलों की या इन चीज़ों पे एक जिज्ञासा रहती थी, और घर में चर्चाएँ होती रहती थी, या सब लोग आते रहते थे तो उनमें प्रसंग आता रहता था, तो वो सुना था मैंने। तो पिताजी बता रहे थे कि रमेश चंद शर्मा, काली चंद शर्मा जो समाजवादी समाजवाद से जुड़े हुए थे, उनके साथ हमारे पिताजी दिल्ली गए हुए थे, तो ऐसे ही उन लोगों ने कहा कि चलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से मिलाएं। तो उस दौरान पंडित मूलचंद दुबे जी की डेथ हुई थी, जो कांग्रेस के सांसद थे। तो यूं ही बातचीत हो रही थी डॉक्टर साहब से, तो हमारे पिताजी ने, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रसंग में ये बात कही कि डॉक्टर साहब बाई इलेक्शन होने को है,
आप वहाँ से अगर चुनाव लड़ जाएं तो अच्छा होगा। तो जैसा कि वो बताते थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया इस बात पर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी, मैं अगर संसद में पहुंचना चाहूंगा तो मेरे लिए बहुत से और रास्ते हैं, मैं पहुंच सकता हूँ, जनरल इलेक्शन से पहुंच सकता हूँ, तो मुझे संसद में पहुंचने के लिए बाई इलेक्शन की क्या जरूरत है, मैं तो एक प्रतीकात्मक रूप से मूल्यों आधारित, मैं नेहरू जी का विरोध करता हूँ, उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, उससे मैं सहमत नहीं होता हूँ, इसलिए उनको एक आईना दिखाने के लिए या उनके सामने उनकी मुखालफत करने के लिए मैं फूलपुर से चुनाव लड़ता हूँ। मेरा मकसद संसद जाने का नहीं है, मेरा मूल्यों पर सिद्धांतों की लड़ाई है, इसलिए मैं नेहरू जी के खिलाफ वहाँ हमेशा खड़ा होता हूँ, और ये जानते हुए भी कि मैं वहाँ से जीत नहीं सकता हूँ और वो कभी जीते भी नहीं, लेकिन कई इलेक्शंस जो है वो नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर से वो लड़े विरोध दर्ज कराने के लिए। तो ये एक मूल्य आधारित सिद्धांत की राजनीति थी कि जिसकी वजह से वो नहीं, लेकिन जब वो हो गए तो बड़े दबे सुर में कालीचरण शर्मा जी ने और पिताजी ने और सारे लोगों ने ये बात कही कि सवाल ये नहीं है कि आप लोकसभा पहुंचने के लिए बाई इलेक्शन लड़ें। कहने का आशय ये था कि आप समाजवाद को अगर आगे बढ़ाना है और बाई इलेक्शन है तो वहाँ से आप विचार कर सकते हैं, लड़ सकते हैं चुनाव। खैर वो बात वहीं ख़त्म हो गई। बाद में जो भी कुछ रहा वो डॉक्टर लोहिया या जो भी विमर्श किया हो, उसके बाद डॉक्टर लोहिया ने फरुखाबाद से बाई इलेक्शन लड़ा, और बाई इलेक्शन वो ये हुआ कि पूरे आसपास के एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, उसमें एक समाजवाद की बड़ी लहर थी उस समय। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया उस चुनाव में वहाँ पड़े रहते थे, आपके सांसद रहे भगवती सिंह जी, इसके खिलाफ ये चुनाव था कुछ यार। ये वहाँ डॉक्टर केसकर खड़े हुए थे जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे केंद्र सरकार के, वो डॉक्टर लोहिया के खिलाफ कांग्रेस ने उनको उतारा था। तो जो अभी आपने, हाँ मंत्री थे वो, सूचना और प्रसारण मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री थे और बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको कांग्रेस ने डॉक्टर लोहिया के खिलाफ उतारा था। डॉक्टर लोहिया वहाँ जीते, भारी बहुमत से जीते, और जो आपने कहा, अब मुझे वो तो ध्यान नहीं, शायद अगर मुझे गलत नहीं हूँ तो चांदपुर वहाँ क्षेत्र है, वहाँ के किसी एक पोलिंग बूथ पर मैं समझता हूँ कि शायद आज भी इतिहास होगा कि जिसमें कांग्रेस को शून्य वोट मिला था और डॉक्टर लोहिया को जो भी वोट मिले हों 150 जो भी मिले हों, लेकिन कांग्रेस को शून्य मिला था, और उस समय कांग्रेस अपने उरूज पर थी। आज कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो नेपथ्य में है, उसके पास एक सांसद खाली सोनिया जी हैं, लेकिन आज भी किसी भी बूथ पर ऐसा नहीं है कि उसको एक वोट ना मिले, लेकिन उस समय डॉक्टर लोहिया ने ये करिश्मा किया था, या वहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए थे डॉक्टर लोहिया से, उनकी नीतियों से, उनके सिद्धांतों से, समाजवाद से, कि वहाँ ये एक स्थिति पैदा हुई थी। मैं समझता हूँ कि शायद देश में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा कि जिसमें कांग्रेस जैसी पार्टी को, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको किसी पोलिंग बूथ पर शून्य वोट मिला हो। और ऐसे ही एक नहीं कई घटनाक्रम है जहाँ तक मूल्यों और सिद्धांतों की एसडी सिंह साहब बात है। तो जब मैंने आपसे कहा कि मैं डॉक्टर लोहिया के साथ बच्चा था और उसमें शमीम साहब भी थे, और जहाँ तक मुझे ध्यान है यशवंत सिंह कटिया से बड़े लहिन सहीन थे और लोहियाबादी नीचा कुर्ता पहना करते थे, उनके साथ मोहम्मदाबाद क्षेत्र में प्रचार के लिए वो गए थे। अभी भी मुझे अच्छी तरीके से फिरोजी रंग की उनकी गाड़ी अम्पाला कहलाती थी, जिसके पीछे पर लगे रहते थे, तो उसमें से मैं झांक झांक के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता था। ये बचपने की बात है कि नहीं, डॉक्टर लोहिया का तो मुझे उतना बाद में अंदाज हुआ, लेकिन मैं उस कार, उस समय कार एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी, और वो भी जो कार थी वो हवाई जहाज नुमा थी, उसका अपना एक अलग था, तो वो बचपना था। तो वहाँ से एक घटना, मुझे दो घटनाक्रम जो मैंने देखे
वो मेरे आज भी मेरे मस्तिष्क में आज भी वो अंकित है जस के तस। सर, बचपन में आपने लोहिया जी को देखा और उनके साथ में कुछ समय बिताया और आपका परिवार तो उनके साथ में पहले से ही जुड़ा हुआ था, फिर आप बड़े हुए और आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और बहुत सारे नेताओं को आपने देखा, तो जब आपको ये बात याद आती है कि हमने बचपन में लोहिया को देखा था और फिर आप बड़े हुए, तो सर उस समय आपके भाव किस तरह से बदले कि हम किसके साथ थे? नहीं, ये तो एक स्वाभाविक है, एक गर्व का विषय है कि डॉक्टर लोहिया जैसे मनीषी चिंतक एक मूल्यों वाले राजनीतिक के साथ मुझे सौभाग्य मिला। ये इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उनके साथ या उनका स्नेह या उनके सामीप्य मुझे मिला। तो निश्चित रूप से यूँ तो लगभग 40 वर्ष 42 वर्ष मुझे लखनऊ में ही पत्रकारिता में हो गए, सारे राजनीतिज्ञों से पत्रकारिता के नाते मिलना जुलना सभी लोगों से रहा, लेकिन वो मूल्यों सिद्धांतों की बात मुझे देखने को नहीं मिली जो डॉक्टर लोहिया की थी। जो मैं आपको प्रसंग बता रहा था कि डॉक्टर लोहिया अपनी गाली से आ रहे थे और पीछे 5-7 गालियों का काफिला था, तो उसी बीच में एक जीप थी, तब जीप पर प्रचार हुआ करते थे, तब कारें वारें का प्रचलन नहीं था, तो उस पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था और वो किसी गड्ढे में फंस गई थी और उसमें अकेला ड्राइवर था, तो वो कोशिश कर रहा था लेकिन गड्ढे से गाड़ी नहीं निकल रही थी। डॉक्टर लोहिया की एक नज़र पड़ी तो डॉक्टर लोहिया ने कहा गाड़ी रोको, और गाड़ी रुकवाई। और उस समय मुझे याद है कि हमारे बगल में शमीम साहब बैठे हुए थे, बीच में मैं था, डॉक्टर लोहिया उल्टे हाथ पर थे, बीच में मैं था, सीधे हाथ पर वो बैठे हुए थे शमीम साहब। तो उन्होंने कहा कि शमीम देखो ये गाड़ी वहाँ लगता ड्राइवर अकेला है, गाड़ी नहीं निकल रही, जाकर उसमें धक्का लगा दो, उसकी गाड़ी को निकलवा दो। करते काफिला रुक गया, सब लोग काफिले से नीचे उतर आए कि क्या बात हुई, क्यों गाड़ी रुक गई। तो शमीम साहब उतरे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, डॉक्टर साहब ने कहा लगा दें। तो वो एक थोड़ा सा सड़क से मैं समझता हूँ कि 20 फुट या 25 फुट आगे होगा, तो गाड़ी वहाँ गड्ढे में, तब सड़कें वड़कें भी बहुत फरफाबाद छोटी जगह थी, गड्ढे वड्ढे थे, सड़कें भी कोई अच्छी नहीं थी। तो वहाँ जब ये सब लोग 5-7 लोग पहुँच गए तो वहाँ उससे ड्राइवर से कुछ जद्दोजहद करने लगे, तो जो भी रहा डॉक्टर साहब उसको देख रहे थे कि आखिर क्या बात है, ये लोग गाड़ी की तो नहीं निकलवा रहे हैं, उससे क्या बातचीत कर रहे हैं। 5-7 मिनट हो गए तो उन्होंने, यशवंत कटियार जी थे जो प्रखर समाजवादी जिले के थे फरुखाबाद के, उनसे कहा कि यशवंत या ये देखो क्या बात है, ये क्यों इसमें गाड़ी को नहीं निकलवाने का, क्या बहस कर रहे हैं। तो जो ही वो गाड़ी से उतरे तो उन लोगों ने, जब किसी की नज़र पर उन्होंने कहा लगता है डॉक्टर साहब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने धक्का लगा दिया और गाड़ी निकलवा दी। जब वो लौट के आए तो उन्होंने शमीम साहब से पूछा कि क्या बात थी, क्या हुआ। तो शमीम साहब हंसने लगे और बोले कुछ नहीं, सब लोग कार्यकर्ता कह रहे थे कि डॉक्टर लोहिया की जय बोलो तब हम तुम्हारी गाड़ी को निकलवा दें। और वो कांग्रेसी, इतना कट्टर कांग्रेसी था ड्राइवर, उसने कहा गाड़ी निकले ना निकले लेकिन डॉक्टर लोहिया की जय नहीं बोलेंगे। तो वो इस पर एडामेंट था कि हम जय नहीं बोलेंगे, और ये इस पर दबाव डाल रहे थे कि डॉक्टर लोहिया की जय बोलो। तो डॉक्टर साहब आप देखिए, उनका बड़ापन देखिए और जो सिद्धांत की बात देखिए और उनका क्या शब्द प्रयोग किया जाए, तो उस बात पर वो शमीम से नाराज हुए। उन्होंने कहा कि शमीम, डॉक्टर लोहिया की जय बोल के ना तो आप चुनाव जिता सकते हैं और ना ही समाजवाद जिसकी हम बात करते हैं उनको आप आगे ले जा सकते हैं, ये आप लोग जो है, और मतलब काफ़ी नाराज हुए। मुझे पूरा तो याद नहीं है चूँकि एक लंबा समय हो गया, 10 को 20 के तो, लेकिन उस पर वो उन्हें नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया की जय बोल के आप जिताना चाहते हैं चुनाव, समाजवाद को आगे ले जाना, हम समाजवाद की बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया की जय करके किसी की मदद करेंगे। हमारा परिवार समाजवादी हो ऐसा नहीं था कि समाज, लेकिन चूंकि पिताजी पत्रकार थे उनका कोई समाजवाद से कोई वो नहीं था, लेकिन चूंकि डॉक्टर लोहिया के साथ थे इसलिए ये कह सकते हैं कि वो एक समाजवाद से या एक मित्र होने के नाते या उनके एक जुड़ाव होने के नाते उन समाजवाद से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित रहे।
अदरवाइज वो पत्रकार विशुद्ध पत्रकार थे, वो किसी उसके सदस्य नहीं थे या कोई यूं नहीं था। सर लोग लोहिया जी के बारे में क्या कहते थे उस दौर के? देखिए डॉक्टर लोहिया बड़ा व्यक्तित्व था, तभी करते थे जब वहाँ आते थे, जब कभी भी, या इंदिरा जी ने भी आके वहाँ सभा की, बड़े बड़े नेता जितने भी किसी भी दल के हों, वो सरस्वती भवन फर्रुखाबाद का एक ऐसा स्थल था जिसको सभा स्थल कह लें कि जिसमें हजार या 1500 लोग खड़े होकर बैठ के सारी चीज़ें वहाँ, इतनी बड़ी गैदरिंग अगर कोई स्थान था तो वो था, तो वहाँ रहते थे और उनको सुनने के लिए लोगों का एक जन सैलाब सा उमड़ता था। और शायद यही कारण है कि वो वहाँ से, जो कांग्रेस उस समय अपने शबाब पर थी, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए वो जीतता था, और उस समय डॉक्टर लोहिया को बहुमत से वो जीते और डॉक्टर केसकर बुरी तरीके से पराजित हुए जो केंद्रीय मंत्री थे, तो निश्चित रूप से जनता पर उनका असर, उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का, उनकी देखिए क्या मूल्यों की राजनीति थी, कितनी बड़ी राजनीति थी, कितने बड़े कद के लोग थे, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जो मैंने सुना केरल में पिल्लई सरकार और उस समय विपक्ष की सरकार बनना अपने आप पे एक अजूबा हुआ करता था, और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार केरल में बनी थी और पिल्लई जो है वो मुख्यमंत्री थी, और वहाँ कोई आंदोलन हुआ, अब छात्रों का था या किसानों का था या किसी का भी था ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आंदोलन हुआ और उसमें पुलिस ने फायरिंग करी, उसमें एक व्यक्ति मर गया, डॉक्टर लोहिया एक व्यक्ति मर गया, आपको नैतिक अधिकार नहीं है कि अब आप मुख्यमंत्री पद पर रहे, और उनको अपनी उस सरकार, उस समय सरकार बनना ही अपने आप में अजूबा था, और अपनी उस सरकार को उन्होंने घेरा दिया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, ये एक बड़ी बात है। ऐसे ही अगर आप देखें तो मतलब मेरे अपने उसमें एक घटनाक्रम कांग्रेस का आता है कि एक रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, एक एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने रेल मंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे लोग थे कि जो अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को साहस और सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। लोहिया जी उसके बाद कभी चुनाव लड़े थे फर्रुखाबाद से? हाँ, उसके बाद वो जब बाई इलेक्शन हो गया उसके बाद वो कन्नौज से, वो जो फर्रुखाबाद की, जो फर्रुखाबाद में दो लोकसभा सीटें थी, फर्रुखाबाद एक कन्नौज, उसमें कन्नौज से वो दोबारा बाई इलेक्शन, अब जनरल इलेक्शन लड़े, और उस समय एस एन मिश्रा साहब कांग्रेस के सांसद रहे थे और हाईकोर्ट के बड़े नामी वकीलों में से थे जो कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से सांसद हुआ करते थे, उनके खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने चुनाव लड़ा कन्नौज से, और वो बहुत मतलब कांटे का चुनाव हुआ कन्नौज का, और शायद 400 कुछ वोटों से, 419 वोटों से या कुछ वोटों से डॉक्टर लोहिया वहाँ रिकाउंटिंग में जीते। अच्छा, मतलब उसको पहले हरा दिया, हार गए, उसके बाद समाजवादियों ने फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का कार्यालय घेर लिया और उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की, और जिलाधिकारी उससे बच रहे थे कि रिकाउंटिंग न हो, शायद कांग्रेसियों का दबाव रहा हो या जो भी कुछ रहा हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो रिकाउंटिंग कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन समाजवादियों के भीड़ ने, मतलब वहाँ इवन समाजवादियों ने वहाँ पूरी तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय को घेर लिया था और शायद बहुत अपशब्दों का भी प्रयोग किया नाराज़गी में, और तब रिकाउंटिंग हुई, और रिकाउंटिंग में वो 400 कुछ वोटों से जीते थे जब रिकाउंटिंग हुई। ये मतलब दो बार, शायद दो ही बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, और दोनों बार फर्रुखाबाद से, दोनों फर्रुखाबाद से, अदरवाइज वो न कभी राज्यसभा से रहे, वो हमेशा फूलपुर से लड़ते रहे डॉक्टर क्या नाम नेहरू जी के खिलाफ, और वो प्रतीकात्मक नेहरू जी को ये बताने के लिए कि तुम्हारी नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, उसका विरोध करने के लिए नेहरू जी के खिलाफ वो खड़े होते थे। और उस समय ये भी था कि जब डॉक्टर लोहिया पहली बार फर्रुखाबाद से जीत के संसद में गए हैं
तो उन्होंने अपनी आस्ती ऐसे करते हुए जब संसद में घुसे हैं तो उन्होंने ये शब्द कहा था, जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई। क्या बात है। ये डॉक्टर लोहिया के संसद में घुसने पर, जब पहली बार संसद में प्रवेश किया है, तो ये शब्द थे उनके कि जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई। अब मैं संसद में भी जो मैं फूलपुर में या संसद के बाहर आवाज उठाता था नरेंद्र जी के खिलाफ, अब संसद के अंदर मैं कहूँगा, अब मुझे यहाँ बोलने का मौका मिलेगा। शायद ये उनका आशा था। तो ये बड़े लोग थे और बड़ी राजनीति थी, मूल्यों की राजनीति थी। शायद अब वो एक इतिहास बन गई, अब वो शायद वो दौर आ नहीं सकता। अब तो सत्ता कैसे ली जाए, किन प्रपंचों से ली जाए, किस धर्म के आधार पर ली जाए, किस जात के आधार पर ली जाए, उस आधार पर ये होता था। वो हमेशा राजनीति में अपराधीकरण का भी विरोध करते रहते थे। ये लोहिया जी हैं, ये डॉक्टर लोहिया, ये बाद में मंत्री हुए, ये मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ये यशवंत सिंह कटियार, ये चट्टान अखबार साप्ताहिक निकलता था, उसके ये मिश्रा जी, उसके संपादक मुद्रक प्रकाशक थे राजनारायण मिश्रा जी, और ये सब समाजवादी लोग थे। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये वो डॉक्टर लोहिया के साथ जब मैं गया था जनसभा में, जहाँ उन्होंने भोजन नहीं लिया और समाजवाद को लेके, ये वही की फोटो है उस जगह की है, ये आप है। हाँ, ये उस समय हम ये हाफ पैंट पहने हुए, और ये डॉक्टर लोहिया हैं। ये बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका। इसमें पिताजी आपके हैं? नहीं, पिताजी इसमें नहीं। अच्छा, पिताजी नहीं। इनकी गाड़ी में आप ही गए थे? हाँ, उनकी पिताजी नहीं गए थे, वो चूंकि हमने कहा तो डॉक्टर साहब ने हमको हमने ये जिज्ञासा, हमने अपने पिताजी से कहा, हमने कहा कि बाबू जी हम भी कार में जाएंगे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आओ अंदर बैठो। अच्छा। वो अंदर बैठा लिया। तो ये मतलब तब वो उस ढंग के हुआ करते थे, और तब कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी कि कोई सिक्योरिटी हो, बड़े सामान्य रूप से सब खड़े, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखाई दे रहा होगा। आज बगैर जितने लोग होंगे उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी खड़े होंगे साथ। अच्छा, उस समय कोई सिक्योरिटी नहीं थी इनके पास? कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सिपाही पाई। हाँ, वो पीछे एक सिपाही, चूंकि बड़े नेता थे तो चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को मिलती है, तो उनको भी मिलती थी, तो कोई ऐसा नहीं था कि उसके लिए एक अलग से आ रहा है। तो ये बड़ी ऐतिहासिक फोटो है, और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं में जो समाजवाद के रहे उनकी भी फोटो नहीं मिलेगी डॉक्टर लोहिया के साथ। ठीक कह रहे हैं, मतलब कहा ये दुर्लभ तस्वीर है, ऐसी तस्वीर हम समझते हैं किसी पत्रकार के पास में नहीं होगी, किसी नेता के पास में नहीं होगी, संभवतः नहीं होगी। अब सर, आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पे कि बिना, इन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ जो है वो हो गया, नहीं, क्योंकि टेबल लगा दी थी। हाँ। और उस पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था और उसी पर खाना लगा हुआ था, और बाकी जो लोग सभा में आए हुए थे वो नीचे स्कूल की टाट पट्टी बिछा दी गई थी, उस पर बैठ के उनकी पत्तलें लगा दी गई थी। अच्छा। इस पर डॉक्टर साहब नाराज हो गए थे, और उन्होंने कहा कि ये हम समाजवाद की बात कर रहे हैं और हम खाएंगे टेबल में और ये खाएंगे जमीन में, यही समाजवाद है क्या? ये उन्होंने तुलना करके कहा था, इसलिए ये आपने आयोजन, मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। लोहिया जी ने खाना नहीं। हाँ, मतलब उस समय वहां के सारे आयोजकों ने, और यशवंत सिंह कटियार भी थे, शमीम साहब भी थे, कालीचरण जी थे, कई लोग थे, और क्या नाम कैप्टन अर्जुन सिंह भदौरिया वो थे, तो ये सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भूल हो गई है, वो अपने उसने माफी मांग ली है, तो उसने कहा नहीं, हाँ मुझसे चूक हो गई है, तो अब इसलिए भोजन तो आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं, अब भोजन नहीं करूंगा, आज इसका प्रायश्चित यही है कि आज भोजन मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने भोजन नहीं किया, उनके साथ जितने लोग थे, फिर उन सारे नेताओं ने भोजन नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने नहीं किया, बाकी लोगों ने नीचे जो बैठे थे उनने खाया, और उन्होंने फिर ये हिदायत दी कि आप समाजवाद की बात कर रहे हैं तो समाजवाद के मतलब है कि जहाँ आप हैं वहीं आपके समाज का अंतिम व्यक्ति भी है, तो आप वही काम करें, वही आचरण करें जो उसके साथ। समाजवाद की सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए आचरण में, व्यवहार में, व्यवहार में होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक फर्क था, ये सारी चीजें। तो अब वो चीजें कहाँ रह गई? अब तो सारी चीजें खत्म हो गई, उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें हैं।
ये अमित शाह बैठे हुए हैं आपके साथ। हाँ, ये अमित शाह साहब, ये आपके दफ्तर की है, ये 14 में जब यहाँ चुनाव हुआ था जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, जी, जी। तो आज समय के गृह मंत्री, और ये यहाँ लखनऊ में जो 3-4 जगह टाइम्स ऑफ इंडिया, पीटीआई, हिंदुस्तान, वहाँ अमित शाह साहब अपनी बात अपना पक्ष रखने के हमारा पक्ष में, उस समय वो यहाँ आए थे ऑफिस में हमारे, तो वहाँ का ही चित्र है। उस समय उनके साथ कोविड जी भी थे, जो राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी भी थे, उनके साथ आए हुए थे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया आपके साथ में। तो डायरी में ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में बात करने के लिए इतने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, इनके साथ में हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी और एपिसोड में जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में। नमस्कार।